Hey, Mr. Malim is here. इश्कला ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको आज की स्टूडियो में क्लियर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हैं। तो भैया वो कौन से पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी जो बड़ी अजीब थी और कौन सी इंटरेस्टिंग, कौन सी फनी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब करो, प्रण लो जैसे कि इंस्टाग्राम पर फॉलो या @malim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जिस तक हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड में दिल को दहला देने वाला सीन, एक ऐसा सीन जिसको देख के मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब भी फील हुआ और मतलब एक सोच जनरेट होती है माइंड में कि कोई माँ इस हद तक कैसे जा सकती है। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन बट दिस सीन वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग, जहाँ पर एक माँ अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाती है कि मतलब झूठी कसम अपनी नंद को बुरा साबित करने के लिए। ये सीन बड़ा दर्दनाक था और जिस तरह से फिर आपको अज़का को रोते हुए दिखाया जाता है, उसकी जो एक्टिंग थी यहाँ पर यमुना ज़ैदी की, दैट वाज ऑसम। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यमुना ज़ैदी ने जिस तरह से परफॉर्म किया इस करेक्टर को। बट समझ इस बात की नहीं आती कि इस ड्रामे के अंदर शादी ब्याह का मतलब इतना ही मजाक हो गया कि यहाँ पर एक दिन में पलक झपकते ही बस फौरन से शादियां तय हो रही हैं। और ये जो आंटी है ये इसको अंगूठी पहनाने के लिए पहले भी हवा के घोड़े पे बैठ के एकदम से अंगूठी पहना के जाती है और दोबारा सेम उसी प्रैक्टिस को फॉलो करती हुई थोड़ी सी अजीब लगती है। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब इतनी परेशानी में शादी हो रही हो, जहां पर एक लड़की जो है वो पकड़ी गई है किसी दूसरे लड़के के साथ रंगे हाथों, तो वहां पर भाई अपनी इज्जत की बिना पर कि मतलब मेरी इज्जत माशरे में ख़राब ना हो जाए तो वो इमीडिएटली कल शादी करवा रहा है। तो ऐसी कल वाली शादी के अंदर इतना ढोल ढमक्का काहे को भैया, ऐसे कहाँ कोई ढोलकी रखता है और इस तरह से इंजॉय करता है। ये तो कोई प्रॉपर शादी का इवेंट हो रहा हो तो घर को ऐसे सजाया जाता है और फिर ढोलकी रखी जाती है और फिर शादी होती है, तो ये बहुत बड़ी डायरेक्शन की मिस्टेक है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको बस दिखाना चाहिए था कि हाँ बस उसने मौलवी को बुलाया, दो लोग हैं बैठ के बस निकाह होने लगा और फिर वो सारा सीन हो रहा। चलो अज़का और आबिद की शादी का तो समझ में आता, दोनों यहाँ पर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भाई बड़ा तैश में आके कल ही शादी सेट कर देता है। लेकिन भैया शनाया और अजलान के केस में ऐसा क्या हो गया, अजलान को कौन सी आग लगी है कि उसे कल ही शादी करनी थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या अजलान को कोई इनसिक्योरिटी थी या उसका कोई ऐसा इमीडिएट इशू था जिस वजह से उसको फौरन से शादी करनी थी, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप लोगों की समझ में आया भैया ये सीन तो जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे अजलान से याद आया, अजान समी जो हैं ऐसे में मेरे ख्याल से इस ड्रामे के लिए थोड़े से अनफिट थे। अगर आप इनकी फिजीक को देखो तो अच्छे खासे फैटी लगते हैं। और जो लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ कुबरा खान को क्रिटिसाइज करता हूं, तो भैया मैंने हर दौर में हर ड्रामे में हर अनफिट पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि यहाँ से ना मुझे बड़ी नेपोटिज्म की बू आती है। अगर कोई आम लड़का या कोई न्यू एक्टर अगर इस रोल को करना चाहता सज्जल अली के साथ, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग हाथ नहीं है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में अब जो जन्म लेना शुरू हो गई है नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से आपने देखा बॉलीवुड अब काफ़ी हद तक बर्बाद हो रहा है। कुछ तो बेचारी इस वबा ने बर्बाद कर दिया, कुछ नेटफ्लिक्स ने बर्बाद कर दिया और बहुत हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो नेपोटिज्म इज़ द रीज़न जिस वजह से वो इंडस्ट्री अब उतनी तरक्की नहीं कर रही। हाँ लेकिन एक बात माननी पड़ेगी अजान को लेकर के, भाई यहाँ पर एक्टिंग जो मम्मी डैडी बच्चे की ये कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे जब इसकी शादी होगी ना यहाँ पर शनाया के साथ, तो शादी की पहली रात अमूमन लड़का जो है वो अपनी बेगम की तारीफें करता है, उसके हुसन को बहुत ज़्यादा सहराता है कि भाई तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारी दुनिया से सबसे अनोखी लग रही हो तैयार होके। लेकिन यहाँ पर अजान जो है, सॉरी अब अजान ही माइंड में आ रहा है, अजलान जो है वो ये कहेगा कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत का लड़का मिल गया, देखो मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं तो हर लड़की की ख्वाहिश हूँ, इस तरह की ये बातें करने वाला है कि मतलब तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं कि मतलब तुम्हें मेरे जैसा लड़का मिला। मतलब ये उसकी तारीफ़ें करने के बजाय अपनी तारीफ़ें कर रहा होगा शादी की पहली रात को, जो कि बहुत ही मज़ायका खेज सीन होगा। आप लोग इस सीन को खासा इंजॉय करने वाले हो और कहीं ना कहीं शनाया बहुत ज़्यादा फील करेगी, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं लाइफ की जहाँ पर लड़कियाँ ना समझती हैं कि मतलब दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व, यहाँ पर हमें ये
कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। जैसे लड़कियां चाहती हैं कि कोई उनको प्रपोज करे, लड़कियां चाहती हैं कि शादी की पहली रात उनकी तारीफ हो, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें हनीमून पे किसी अच्छी जगह पे घुमाया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है जब उसे लाइफ की सर्टन स्टेजेस में नहीं मिलती तो बहुत फील करती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है? आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर अजलान का और शनाया का तो निकाह हो गया, लेकिन नहीं दिखाया गया और इनकम्प्लीट सीन पे एपिसोड एंड होगी, जहां पर हमें नहीं पता चला कि भाई आया कि क्या शादी होगी आबिद के साथ अजका की या नहीं। तो भाई मेरा मानना यह है कि होगा कुछ ऐसे कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम निकाह हो रहा होगा आबिद का और अजका का, और यहाँ पर मौलवी साहब पूछ रहे होंगे, तो चूंकि झूठी कसम खा रखी थी अलिया की माँ ने, तो ऐसे में अलिया बेचारी जो है वो छत से गिर जाएगी। छत से गिरेगी इतना बुरा कि हो सकता है कि उसको बहुत ही सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े, इमीडिएटली शादी का जो फंक्शन हो वहीं पर वाइंड अप हो जाए, निकाह जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। जब हॉस्पिटल में जाएगी बच्ची तो पता चलेगा कि वहाँ पे जाके दम तोड़ गई है। 90% चांसेस इस बात के हैं कि बच्ची बहुत बुरी कंडीशन में चली जाएगी या तो, या वो मतलब मर जाएगी। अब जब बच्ची की मौत होगी या होगी बुरी हालत, तो वहाँ पर क्यामत टूटेगी कि व्हाट शी हैड डन एक्चुअली विद हर। तो भाई यहाँ पर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगी, अजका के आगे माफ़ी मांगेगी, और इंटरेस्टिंगली आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि भाई ये जाएगी अपनी उस खाला पुप्पी के पास जाके उसको कहेगी कि ये जो रिश्ता है अब हमें मंजूर नहीं है। आगे से वो कहेगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अजका जो है वो मेरी बहू है। तो वो कहेगी पहले पागल थी अब पागल नहीं हूँ, अब मेरा दिमाग अपने ठिकाने पर आ गया है, अब हम ये शादी नहीं कर रहे, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। और ये सच्चाई जाके बता देगी अपने शोहर को कि किस तरह से उसने झूठी कसम खाई थी, फिर शोहर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बरसेगा। और यहाँ पर जो एक्टिंग की है आबिद ने, जिस तरह से उसने उसकी बहन को वरगलाने की, उससे शादी करने की है सारी एफर्ट की, अब उसका उसे भुगतना तो पड़ेगा। सुल्तान जाएगा उसके पास जाकर उसकी ठीक ठाक फेंटी लगाएगा और यहाँ पर एक नई दुश्मनी शुरू हो जाएगी। इस दुश्मनी का ताल्लुक भी आगे जाके जो सुल्तान की मौत होनी है ना, जो उसने गाड़ी के नीचे आना है उसके साथ, मैंने फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू में रिलेट किया था कि शायद ये आबिद ही मरवा दे, लेकिन इसके चांसेस कम है। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी के नीचे आके सुल्तान की डेथ होने वाली, और यहाँ से फिर नया वो शुक्का छूट जाएगा। शनाया के साथ वो इस केस को ओवरटेक कर लेगी और वो देखेगी कि भाई आखिर क्यों, किस वजह से डेथ हुई। पॉलिटिशियन के साथ उसके सारे मसले शुरू हो जाएंगे, जो कि इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने वाला है अजलान और शनाया के दरमियान भी। तो इस तरह से सारी चीज़ें लिंक्ड होंगी एक दूसरे के साथ। आपको दिखाया जाएगा कि अजका एक दफ़ा फिर से दोबारा से अपने आप को स्टैंड करेगी। शुरू में तो बहुत बुरी हालत होगी, इवन के यहाँ पर जब भाई की डेथ होगी तो आप भी जो है उनके घर राशन डालेगा, तरह तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जो इनकी भाभी है ना, उसके अंदर बहुत अक्ल आ गई है, उसको आगे जाके अच्छा कैरेक्टर बनते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पर वो बेसिकली अवॉइड करवाएगी आबिद से, और कुछ ही ऐसा सिस्टम बनाएगी आगे जाके कि मतलब हो सकता है कि अजका जो है वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दे और साथ में स्टडी भी, हो सकता है भाभी भी आगे जाके जॉब कर ले, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ ड्रामा, वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग। बाकी ये है कि ये ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, मुझे लेटेस्ट एपिसोड तो पहली दो एपिसोड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आप लोगों को कैसी लगी है भैया इसकी एपिसोड, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि इश्क लाल ड्रामे के अंदर सज्जल अली की ज़्यादा एक्टिंग अच्छी लग रही है या यहाँ पर लग रही है यमुना ज़ैदी की? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरा इस बारे में क्या होगा आंसर। तो भैया मैं 100% ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मतलब सज्जल ने बड़ी कोई मीडियोकर सी एक्टिंग की है, यमुना ज़ैदी की जो एक्टिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनके एक्सप्रेशंस देखने का, और डेफिनेटली दोनों के कैरेक्टर्स में भी अच्छा खासा फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक फिजिकलिटी होती है ना जो किसी भी एक्ट्रेस की, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यमुना ज़ैदी के अंदर। और मेरे ख्याल से जो उनको पीछे अवार्ड मिला था वो बिल्कुल 100% डिज़र्विंग है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई नहीं डिज़र्विंग, नाउ यू कैन सी दैट के हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ अट्रैक्टिव एंड हाउ फैंटास्टिक शी इज़ इन एक्टिंग। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है वो ये कि सिन्फ़े आहन जो ड्रामा है उसको आप लोग क्या इंजॉय कर रहे हो? आप लोगों को पहली एपिसोड देख के मज़ा आया है? क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा फिलर आ रहा है कि यहाँ पर जो पहली एपिसोड पे व्यूज़ पड़े हैं ना उसको, वो सिर्फ उसकी प्रमोशन की वजह से पड़े हैं, शायद लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो कि बहुत ही हैरानगी वाली बात होगी कि पहला ड्रामा जो कि फौज बेस्ड है, आर्मी बेस्ड है, उसके ऊपर लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों को ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है? या अगर आप लोगों ने मेरा रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से ड्रामे का रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा रिव्यू और कैसी है इस ड्रामे की पहली एपिसोड। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तान ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।